करूं बंद नयन कबार शरण परो हर राय प्रम कटिए गए नानक साध संग दुतिया पो मिटा तू मेरु मेर पर्व स्वामी ओट गही मैं तेरी ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लेनी हर मेरी वह 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 ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लेनी हर मेरी वह 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 मेरे मन मेरे मन मुख हर 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 बोलिए मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन मुख हर 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 बोलिए मुख हर 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 बोलिए मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन मुख हर 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 बोलिए मुख हर 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 बोलिए गुरमुख रंग चलू ले राती हर प्रेम प्रेमी छोलिए गुरमुख रंग चलू ले राती हर प्रेम पिनी चोलिए मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन मुख हर 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 बोलिए हर 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 बोलिए मेरे मन फिरों दीवानी आवल बावल इस कारण हार टोलिए हाँ फिरों दीवानी आवल बावल इस कारण हार टोलिए इस कारण हार टोलिए मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन मुख हर 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 बोलिए
मेरे मन मुख हर 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 बोलिए, मुख हर 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 बोलिए, मेरे मन प्यारा हम तिसकी गुल गोलिए, कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा की गुल गोलिए, मेरे मन मन मेरे मन मन मेरे मन मन मेरे मन मुख हर 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 बोलिए, मुख हर 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 बोलिए, मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन मुख हर 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 बोलिए, मुख हर 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 बोलिए, मेरे मन सतगुर पुरख मनावो अपना हर अमृत पी जो बोलिए, सतगुरु पुरख मनावो अपना, मनावो अपना, मनावो अपना, हरि अमृत पी चोलिए चोलिए, हरि अमृत पी हरि अमृत पी चोलिए, हरि अमृत पी चोलिए चोलिए, सतगुर पुरख मनावो अपना हरि अमृत पी चोलिए, सतगुर पुरख मनावो अपना हरि अमृत पी चोलिए, गुर
प्रसाद जन नानक पाया हर लादा दे डोलिए जन नानक पाया हर लादा दे डोलिए मेरे मन मेरे मन मेरे मन मुख हर 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 बोलिए मुख हर 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 बोलिए मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन मुख हर 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 बोलिए मुख हर 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 बोलिए गुरमुख रंग चलू ले राती हर प्रेम बिनी चोलिए गुरमुख रंग चलू ने राती हर प्रेम पिनी चोलिए गुरमुख रंग चलू ले राती हर प्रेम पिनी चोलिए मेरे मन मन मेरे मन हर 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 बोलिए मुख हर 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 बोलिए मुख हर 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 बोलिए मेरे मन सुतनी सेवा स्वीकार करनी जी बुलाओ फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह हार्दिक धन्यवाद है भाई साहब भाई सुखजिंदर सिंह जी हजूरी रागी गुरद्वारा पातशाह नौवीं बाबा बकाला साहिब जिन्होंने आप जी नूं इलाही बाणी दे कीर्तन द्वारा निहाल किया है सो सरबत ही संगतां दे चरणां विच दोबारा निम्रता सहित बेनती है कि सतगुरु जी दे पावन बचन वडभागी हर संगत पावै भागहीन भरम चोटा खावै सो वड्डे भाग होण ते इहो जिहे समागम इहो जिहियां सत संगत दीआं घड़ियां जिहड़ियां ने साडे जीवन विच आउंदियां ने इस करके सर्वत ही संगत जो धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे चरणां दे उपर नतमस्तक हो रहीआं ने अपनी श्रद्धा प्रगट कर रही ने सर्वत संगतां दे चरणां विच बेनती है कि अज बहुत ही वडभागा समा है जदों पंथ दे प्रसिद्ध विद्वान रागी जथे आप जी नूं इलाही बाणी दा कीर्तन सरवण कराउण वास्ते पहुँच रहे ने जिवें हुणे हुणे ज्ञानी सुखजिंदर सिंह जी आप जी नूं कीर्तन सरवण करा रहे सन ते हुण उहनां तों बाद बहुत ही सत्कारयोग भाई साहिब भाई बलजिंदर सिंह जी आप जी नूं पावन बाणी दे नाल ठीक 8 बजे तक सांझ पवाउणगे उपरंत भाई साहिब भाई दविंदर सिंह जी सोढ़ी लुधियाणे वाले जो पहुँच चुके ने वो 8 बजे तो पावन बाणी का कीर्तन आरंभ करनगे सो सरबत संगतां इस दीवान हाल विच पहुँच के लाहा प्राप्त करो जी प्यार दे नाल भाई साहिब जी दे कोलों पावन बाणी का कीर्तन सरवण करिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह वाहिगुरू वाहिगुरू जी वाहिगुरू Thank you.
ਬਾਗੇ ਗੁਰੂ ਬਾਗੇ ਗੁਰੂ ਬਾਗੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਬਾਗੇ ਗੁਰੂ ਬਾਗੇ ਗੁਰੂ ਬਾਗੇ ਗੁਰੂ ਬਾਗੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਬਾਗੇ ਗੁਰੂ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ
ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨੌ ਨਿਤ ਆਵੈ ਆਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਭਿਖਨ ਕਾਚਾਉ ਪ੍ਰਭ ਭਿਖਨ ਕਾਚਾਉ ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਭਿਖਨ ਕਾਚਾਉ ਪ੍ਰਭ ਭਿਖਨ ਕਾਚਾਉ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇਹ ਗੈ ਮਨੋਰਥ ਸਵਾ ਇਹ ਗੈ ਮਨੋਰਥ ਸਵਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਪਿਖਨ ਕਾਚਾਉ ਪ੍ਰਭ ਪਿਖਨ ਕਾਚਾਉ ਉਦਮ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਭਿਖਨ ਕਾਚਾਉ
मन में राम नाम जा, राम नाम जा, राम नाम जा। कर कृपा बसो मेरे हृदय होए सुहाइया, होए सुहाइया, होए सुहाइया, होए सुहाइया। सुन सुन नाम तुम्हारा, सुन सुन नाम तुम्हारा, प्रीतम प्रभु कन काचा, प्रभु कन काचा। सुन सुन नाम तुम्हारा, सुन सुन नाम तुम्हारा, प्रीतम प्रभु कन काचा। तन तन तेरा तू प्रभु मेरा, हमरे बस कृष्णा है, हमरे बस कृष्णा है। जो जो राखे त्यों त्यों रहना, तेरा दिया खारे, तेरा दिया खारे, तेरा दिया खारे, नाम तुम्हारा। सुन सुन नाम तुम्हारा, प्रीतम प्रभु पे कन काचा, प्रभु पे कन काचा। सुन सुन नाम तुम्हारा, सुन सुन नाम तुम्हारा, प्रीतम प्रभु पे कन काचा, प्रभु पे कन काचा। जन्म जन्म के किल वेख काटे, मजनगार जन तू, मजनगार जन तूर।
जन्म जन्म के खेल देख काटे मजन घर जन तूर मजन घर जन तूर पाए भगत परम पौना से हर नानक सदा हजूर हर नानक सदा हजूर हर नानक सदा हजूर हर नानक सदा हजूर सुन सुन नाम तुम्हारा सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभु पेखन काचा प्रभु पेखन काचा सुन सुन नाम तुम्हारा सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभु पेखन काचा प्रभु पेखन काचा दया करो किरम अपने को दया करो किरम अपने को एक मनोरथ स्वाओ एक मनोरथ स्वाओ सुन सुन नाम तुम्हारा सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभु पेखन काचा प्रभु पेखन काचा सुन सुन नाम तुम्हारा सुन सुन प्रभु पेखन काचा प्रभु पेखन काचा प्रभु पेखन काचा इतनी सेवा कीर्तन की प्रवान होइया फुलां दी खिमा अगला प्रोग्राम अनाउंस किया जा रहा है साडे वालों फतह दा जवाब फतेह विच वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ पेखण का चाओ अजही पावन पवित्र बाणी आप जी नूं सरवण कराए सन भाई साहब भाई बलजिंदर सिंह जी हजूरी रागी गुरद्वारा पातशाही नौवीं बाबा बकाला साहिब सो भाई साहब जी का हार्दिक धन्यवाद है जिन्होंने ये बहुत उत्तम सेवा कीर्तन की सेवा द्वारा संगतां उस परमेश्वर के नाल वाहिगुरु जी के नाल साडे मन नू आत्मा नू जोड़न का यतन किया है सो गुरु पातशाह जी रहमतां बख्शिशां करन इस तरह भाई साहब जी का समुचा जथा संगतां नू गुरबाणी के नाल जोड़दा रहे सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी जिथे भी गए ने पूरा जीवन समुची मनुखता नू इलाही बाणी द्वारा उस वाहिगुरु जी की करते की सिफतला द्वारा परमेश्वर नाल सांझ पवाई सो इस तरह ही पंथ के प्रसिद्ध रागी जथे भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी सोढ़ी जो आप जी के दरम्यान स्टेज पर पहुँच चुके ने जिन्हां नू असी पहला बहुत वार वख-वख टीवी चैनलों तो आरंभता की उन्होंने कैसटा के उन्होंने कीर्तन सरवण करना साखियां सरवण करनिया इस तरह पूरे वख-वख देशों विदेशों में संगतान गुरबाणी के नाल जोड़िया तो अज गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश कृपा है कि साढ़े दरम्यान सतगुरु जी की हजूरी में भाई साहब जी सच चुके ने सो संगतां नूं पावन बाणी का कीर्तन सरवण करा के निहाल करनगे 8 बजे तो 8:45 तक
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਮਵਰ ਜਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ सच आत सच जुगा
जगत की माई बाप कत केरा कि तू थाओ हमें आए अगन बीम जल पीतर निपुज काहे कम में उपाय तणवत नानक हुकुम पछाणे सुख होवे दिन राति प्रणवत नानक हुकुम पछाणे सुख होवे दिन राति प्रणवत नानक हुकुम पछाणे सुख होवे दिन राति प्रणवत नानक हुकुम पछाणे सुख होवे दिन राति 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 मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे कहे न जानी औगण मेरे औगण मेरे प्रणवत नानक पछाणे सुख होवे दिन राति प्रणवत नानक हुकम पछाणे सुख होवे दिन राति प्रणवत नानक हुकम पछाणे सुख होवे दिन राति प्रणवत नानक हुकम पछाणे सुख होवे दिन राति 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 किते रूख में रख हम जीने किते पशु उपाय किते नाग कुले में आए किते पंखे उड़ाए हट पटन विंद मंदर पने कर चोरी कर आवे अक्कों देखे पिछों देखे तुझ ते कहां छुपावे प्रणवत नानक हुकुम पछाणे सुख होवे दिन राति प्रणवत नानक हुकुम प्रणवत नानक हुकुम पछाणे सुख होवे दिन राति प्रणवत नानक हुकुम पछाणे सुख होवे दिन राति सुख होवे दिन राति
सुख होवे दिन रात सुख होवे दिन रात दिन राती जी सुख होवे दिन राती 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 प्रणवत नानक हुकुम पछाणे सुख होवे दिन राती प्रणवत नानक प्रणवत नानक हुकुम पछाणे सुख होवे दिन राती प्रणवत नानक हुकुम पछाणे सुख होवे दिन राती 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 तट तीर्थ गम नव खंड देखे हट पटन बाजारा लेके तकड़ी तोलन लागा कट ही में बन जारा चेता समुंद सागर नीर भरिया तेते ओगण हमारे दया करो किश मेरे उपावो डुबदे पत्थर तारे चीड़ा यगन बराबर तपे पीतर बके काती प्रणवत नानक हुकुम पछाणे सुख होवे दिन राती 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 सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती दिन राती जी सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती सतगुरु अपने सुनी अरदास कार दे आया
सगला रास कारज आया सगला रास सतगुर आपने सुनी अरदास कार दिया सगला रास सतगुर आपने सुनी अरदास कार दिया सगला रास गुरे आपने सुनी अरदास कार दिया सगला रास मन तन अंतर प्रभु ते आया गुरु पूरे डर सकल चुकाया सब ते पट समरथ पुर देव सब सुख पाई किसकी सेव सतगुर आपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास सतगुर आपने सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी अरदास कार दिया सगला रास सतगुर आपने सुनी अरदास कार दिया सगला रास जाता किया सब किछ होए किसका अमर न मिटे कोई पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप सफल मूरत गुर इसका रूप सतगुर आपने सुनी अरदास कार दिया सगला रास सतगुर आपने सुनी अरदास कार दिया सगला रास कार दिया सगला रास कारज आया सगला रास सतगुर आपने सुनी अरदास कारज आया
सतगुर आपने सुनी अरदास कारज आया सगला जी कारज आया सगला रास कारज आया सगला रास पुकार दिया सगला रास कारज आया सगला रास शाम की अंतर बसे हर नाम जो जो देखे सो ब्रह्म गया पीस विश्वे जाके मन बुरगास दिस जन के पार ब्रह्म का निवास तिस गुरु को सद करी नमस्कार तिस गुरु को जाओ सद बलिहार सतगुर के चरण तोए तोए बीमा गुरु नानक जप जप सद जीमा सतगुर आपने सुनी अरदास कार दिया सगला रास सतगुरे आपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास कारज आया सगला रास कारज आया सगला रास जी कारज आया सगला रास कारज आया सगला रास सतगुरे अपने सुनी अरदास कार जाया सगला रास धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कृपा की परिवार दियां अरदासां सुनियां सतसंगी जिस अस्थान ते बैठ के तुसी जीवन दियां कड़ियां सफल कर रहे हो बहुत भागां वाला ये अस्थान है गुरु तेग बहादुर महाराज जी दियां मेहरां सदा बख्शदियां रहिंदियां ने परिवार ने अरदास कीती ते महाराज जी ने अरदासां सुनियां ते रंग भाग ला दिते ऐ शुक्र शुकराने दियां घड़ियां प्राप्त होईयां परिवार नूं बहुत भागां वाला परिवार है जो महाराज जी ने अरदास सुनी ते शुकराने विच समूह कीर्तनी जथिआं नूं सद के गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे चरणां विच बैठ के सानू ये रात समां गुजारन दा सुभाग प्राप्त होया भाई जसवीर सिंह जी पौंटा साहिब वाले भी आ गए ने उन्होंने भी तुहानूं कीर्तन सुनाउणा है आओ एक वधाइयां रूपी शब्द सुना के फिर मैं कीर्तन की समाप्ति करांगा गुरु घर दे वजीर हैड ग्रंथी सत्कारयोग मैनेजर साहब भाई गुरविंदर सिंह जी सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां दे सोहणे उद्दम दे नाल आपां गुरु दी गोद विच बैठ के हर जस कर रहे हां वधाइयां दा पात्र परिवार है जिन्हां ने सोहणा उद्दम कीता है आओ जी गुरसिखां मन वधाइयां फिर कीर्तन की समाप्ति बधाइयां गुरु
ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਾਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਕੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਈਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਉੱਠਾ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਾਰ ਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਾਰ ਮਾਨ ਉੱਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਾਰ ਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਾਰ ਮਾਨ ਉੱਠਾ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤ
सतगुरु किट्ठा राम राज बधाइयां गुर सिखा मन बधाइयां बधाइयां गुर सिखा मन बधाइयां गुर सिखा मन बधाइयां बधाइयां गुर सिखा मन बधाइयां वाहे गुरु वाहे गुरु करो कृपा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु गुरु तेग बहादुर महाराज मेहर करन सारी संगत की हाजरी प्रवान कर लैन इन्नी कीर्तन सेवा प्रवान करो अगला प्रोग्राम तुसी स्टेज तो सरवण करो असीस बख्शो प्यार सहित पते बुलायो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। हार्दिक धन्यवाद है भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी सोढ़ी लुधियाने वाले जिन्हां दे उपर गुरु पातशाह जी की महान बख्शिश है। बहुत लंबे समय तो सिख पंथ की सिख कौम गुरबाणी के कीर्तन द्वारा करते ने, सो अज इस महान पावन स्थान गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के चरण छो प्राप्त गुरद्वारा श्री भूरा साहब विखे संगतां नूं इलाही बाणी का कीर्तन सरवण कराया है। ये पावन बाणी जो कीर्तन की दात है, परमात्मा की सिफत सलाह की दात, जिस दे उपर बख्शिश होवे रहमत होवे उही उस वाहिगुरु जी के गुण गायन करता है, सतगुरु जी दियां महान बख्शिशां नूं प्राप्त करता है। हर गुण गावो सदा सो भाई, मन चिंदे सगले फल पावो जी कै संग सहाई। सो अजिहियां बख्शिशां नूं प्राप्त करन वास्ते असीं सारे गुरु की हजूरी विच जुड़े हाँ। साडे दरम्यान बहुत सारियां संगतां जो इलाही बाणी दे नाल प्यार करदियां ने, उन्हां दे नाल नाल इस गुरु घर दे सूझवान प्रबंधक मैनेजर सरदार गुरविंदर सिंह जी देवीदासपुर, ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जंडियाला, भाई साहब भाई केवल सिंह जी हैड ग्रंथी, सारे ही संगत विच सुभाईमान ने। सो हुण आप जी की सेवा गुरबाणी कीर्तन राही करन वास्ते साडे कोल पंथ दे नामवार जथे भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी पौंटा साहब वाले पहुँच चुके ने, जो आप जी नूं 9:45 तक इलाही बाणी का कीर्तन सरवण कराउणगे। चित जोड़िए मन जोड़िए गुरु चरणा विच, साडा इत्थे आया होया सफला होवेगा। जदों असीं मन नूं हाजिर करांगे, मन नूं हाजिर करके गुरु चरणा विच जोड़ के गुरु दे शब्द विच जोड़ के अपने मन की तृप्ति पावन बाणी द्वारा करांगे, उस परमेश्वर के घर साडी हाजरी गुरु के दर साडी हाजरी प्रवान हो जाएगी। सो बड़े प्रेम के नाल एकाग्रता के नाल भाई साहब भाई जसबीर सिंह जी पौंटा साहब वाले
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਵਡਭਾਗੇ ਬਣੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਅੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਸ ਕਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤਿਸ ਬਾਰਕ ਭੂਖ ਕੈਸੇ ਨੌਲਦ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਬਾਚੇ ਸੂਲੈਸੀ ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੈ ਚਿੱਤ ਤਿਸਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਜਿਸ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੈ ਚਿੱਤ ਤਿਸਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੈ ਚਿੱਤ ਤਿਸ ਜਮ ਨਾਹੇ ਦੁੱਖ ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੈ ਚਿੱਤ ਤਿਸ ਕੈ ਕਾੜਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਕੋ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਕੋ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਕੋ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕਟਿਆ ਰੋਗ
नाम दिया हर अमृत मुख नाम दिया सतगुरु हे रहा सदा वहाँ पर घर गुर काट लिए
सतगुरु मेरा सदा सतगुरु मेरा सदा दयाला मोहे दीन सतगुरु मेरा निरपौ पे सगल भाव मिटिया राखे राख हारे राखे राख हारे ऐसी धार तेरी प्रभु कार्य सघल सवारे ऐसी दात तेरी प्रभु मेरे दात तेरी ऐसी दात तेरी प्रभु मेरे ऐसी दात तेरी प्रभु मेरे ऐसी दात तेरी ऐसी दात तेरी प्रभु मेरे ऐसी तेरे दात तेरी प्रभु मेरे ऐसी दात तेरी प्रभु मेरे कार्य सगल सवारे अतवियो गुरु रूप सत्संग जी शुकराना समागम है शुकराना दो तरह के व्यक्ति होंदे ने एक मेरे वर्गे होंदे ने जिहड़े शिकवा करदे रहिंदे ने एक ओह होंदे ने जिहड़े सदा शुकर करदे ने कि मालिक तेरी पात्रता बहुत वड्डी है मेरी झोली बड़ी छोटी है एक कंप्लेन होंदी एक शिकायत होंदी है कि अरदास कीती सी पर अरदास पूरी नहीं हुई इस जगह तो वड्डी गवाही कौन भरेगा कैसा सिदकी सिख होवेगा कैसी टिकी बिरती का बंदा होवेगा सीता व्यापारी हम तनवंत भागवत सच नाए हर गुण गावे शहद सुभाए एक आम अखान सुनते हैं आप बाबा कबीर साहब का बाणी च नहीं है मैंने माफ करना कई आम वचन करते साढ़े बजुर्ग लोग के हाथ पाओ से काम कर चीत निरंजन नाम कईयां दी दुकानदारी बंदगी बन जाती है कईयां दी बंदगी दुकानदारी बन जाती तेरा तो अगे गिणती नहीं किस किस हिसाब च अरदास की होगी टिका च है? इतनी जल्दी वाहिगुरु परमेश्वर कहता भी मैनू सदा खड़ा रहा देरी तेरे विच है ऐसी दात शब्द की शुरुआत है आगे ही ते सब कुछ हुआ अवर के जाने ज्ञान जे कोई मनुख कहे कि मैं आज कोई चीज लभी नहीं आज दी है तो तुरतों मिली है हुने भाई साहब जी बचन कर कीर्तन हर एक नहीं प्राप्त होंदा ना किनू प्राप्त होंदा जिसनों बख्श ले मेरे प्यारे
सो जस तेरा गावे। पहली बारी वैसे तो मैं बहुत बारी क्यों मत्तेवाल एक निहंग सिंह जी ने वह पिंड दे विच सत दिन का प्रोग्राम कराते हैं सिर्फ रागों च, तो मैं क्या जी इन इतने समझ किनू होगी, कहते मैं इस करके कर रहा कि इन्हों गुरु ग्रंथ साहब की और गुरु ग्रंथ साहब के रागों की समझ आए, नतमस्तक होकर जाना क्योंकि इदा तो लंघ नहीं सकते इतों गज के आगो सतनाम श्री वाहिगुरु। पर कीर्तन की हाजरी पहली बारी है। परिवार ने अरदास की मन्नत मनी, सतगुरु ने पूरी की, फिर अज ओदा शुकराना करन आए ने गज के आगो सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु परमेश्वर निरपो भए सगल भो मिटिया। गुरु संगत जी जे बच्चा कहे ना कि नेरे च भूत है तो अनेरे च कुछ नहीं होंदा, डर बच्चे दे अपने अंदर होंदा है अंधेरा, कहते जदों निरभौ नूं सिमर लिया फिर कोई डर नहीं रहा। गज के आगो सतनाम श्री निरभौ पए सगल भो मिटिया, राखे राखन हारे ते ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कारज सगल सुवारे। ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कारज सगल सुवारे, कारज सगल सुवारे। साहेब मन मेला शरण पया नानक सुनेला, शरण पया नानक सुनेला, सतगुरु मेरा सदा सतगुरु मेरा सदा दयाला मोहे दीन को राग लिया, सतगुरु मेरा सदा दयाला मोहे दीन को राग लिया, सतगुरु मेरा
सतगुरु मेरा सदा दयाला सदा दयाला। गुरु साहिब जी का सुभाव। गुरु संगत जी, मनुख दे नाम किते किते किसे मनुख दे नाम अपने ते पूरे उतर जान ते उतर जान, पर मनुख दे नाम कदे मनुख दे उते पूरे नहीं उतर दे। ये दयालु ही ते दयालु ही है, सदा दयालता ते निर्वैर है, किसी नाल वैर नहीं करता। गुरु संगत जी, अरदास दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज पातशाह जी ने दो गुरुआं प्रति विशेष शब्दावली वरती। बाला प्रीतम धन गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज पातशाह। गुरु नानक के घर में उम्र नहीं पूजा गया, शकल नहीं पूजा गया, इतने विद्वाना की कदर होती है, विद्वता पूजा जाता है। श्री हरकृष्ण त्याई है जी डिठा है सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया है नौवें गुरु। गुरु संगत जी गणित का पाड़ा पढ़ियो, जदों अगले अंक आते फिर उन्होंने जोड़ियो, फिर नौ बन जाएगा, क्योंकि नया डिवाइड नहीं होता। तेग बहादुर सिमरिया कारण नौ निध आवै ताए, नौ निध किसी ब्राह्मण वाली नौ निधा नहीं, नहीं 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 नहीं, नौ निध अमृत प्रभ का नाम। देही मैं इसका बिसरा, उस स्थान पर बैठे हैं, छोटा जहा स्थान नहीं है, गुरु लद हो रहे। इतिहास ने साढ़े लभ लिया गुरु ने आया से, बहुत लंबी गाथ है, मैं सिर्फ शब्द आप जी शर्म कराने ने। गुरु मेरे संग सदा है नाले, परमेश्वर कहता तू अरदास कर, फिर जो तू मेरे सन्मुख खोले खड़ा होवेगा ना जी, फिर तू नहीं बोलना, फिर मैं बोलांगा गज के आखो सतनाम श्री वाहे। जो गुरु का सिख अरदास करता, जो भगत अरदास करता है, फिर बंदा नहीं बोलता, भगत नहीं बोलता, गुरु बोलता गज के आखो सतनाम श्री वाहे। अगला शब्द आप जी की नज़र है, बिघन न को लागता गुर पै अरदास रखवाला गोबिंद राय भगतन के रास। शर्म कर दे सत्संग जी, जदों असी मैंने ना रोकया सी बहुत रंगीला जी ने, जदों असी कट्ठे होने ना जी, सोढ़ी साहब रंगीला जी रसिया जी या दास, सानू 1999 याद आ जाती है, कैसा आनंद। और गुरु संगत जी जिन्या मर्जियां संस्थावां बन जान, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक अपना वजूद है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का उदों साढ़े नाल सहयोग रहा। तो रंगीला साहब उन्हें कह रहे थे, कहते भाई साहब जी वो समा नहीं बन सकता, तो मैं ऋणी हाँ गुरमुख परिवार का जोड़े प्रोग्राम करा रहे हैं, कुछ नहीं पता, सिर्फ फोन आया कि आप जी ने कीर्तन करना है। गुरु कृपा ऐदा भी गल्ला होंदियां ने गुरु संगत जी गुप्त पैरियां च, तो गुरु कृपालता करन बख्शिश करन। ये अरदास गुरु चरणा विच करिए कि बिघन ना को लगता गुर पै अरदास रखवाला गोबिंद राय भगतन की रास। शर्मन कर दिया बिघ्न न को लागता गुर पै अरदास, बिघ्न न को लागता
गुर पैर दा रखवाला गोविंद राय भगतन की रास विघ्न न को लागता गुर पैर दा रखवाला गोविंद राय भगतन के रास विघ्न न को लागता सिमर सिमर पूरन प्रभु कार्य भैरा सिमर सिमर पूरन प्रभु करतारपुर करताब से करतारपुर करताब से संतन के पार नन को लागता गुर पे विघ्न न को लागता गुर पैर दा रखवाला गोविंद राय भगतन के रास विघ्न न को लागता तोट न आवे कदे मूर पूरन भंडारा तोट न आवे कदे चरण कमल मन तन बसे चरण कमल मन तन बसे प्रभु अगम अपार विघ्न न को लागता विघ्न न को लागता गुर पैर धा रखवाला गोविंद राय भगतन की रास न को लागता गुर पैर दास विघ्न न को बस्त कमावत सब सुखी
किछु मन न दीसे कमहावत सब सुखी किछु नदी से संत प्रसाद भेटे प्रभु संत प्रसाद भेटे प्रभु पूरण जगदेश विघ्न लागता मूर्ख अरदास विघ्न लागता मूर्ख अरदास रखवाला गोविंद राय भगत विघ्न न को लागता गुरु पैर दास विघ्न न को लागता जय जय कार सब है करे सच कान सुनाया जय जय कार सब करे जय जय कार सब जय जयकार सब करे जय जय का सब है करे सच कान सुनाए जब नानक नहा निदान सुन जब नानक नहा निदान सुन पूरा गुर पाया विघ्न न को लागता गुर पैर विघ्न न को लागता गुर पैर गोविंद राय भगतन तेरा न को लागता गुर पैर दास बिगना को Ah, 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 ah.
विघ्न न को लागता गुर पैर दास विघ्न न को लागता विघ्न न को लागता विघ्न न को लागता करता तू मेरा जजमान करता तू मेरा जजमान एक दखना हूं ते पै मगो दे अपना नाम जी तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा लगे ना दुखा तुम ही रुप्यारो कैसे दुखा तू मेरो प्यारो कैसे दुखा नौनिद तेरे सगुन निदा नौनिद तेरे सगुन निदा इच्छा पूरक रखे निधान इच्छा पूरक रखे निदान प्यारो कैसी भूखा तुम मेरो प्यारो कैसी भूखा तू मन बसया लगे ना दुखा जो तू करे सोई परवान जो तू करे है सोई परवान सच्चे साहेब तेरा सच फुरमान सच्चे साहेब
तेरा सतगुरु महा कैसी पुकार तू मेरो प्यारो जा तुद भावे ता हर गुण गाओ जा तुद भावे ता हर गुण गाओ तेरे कर सदा सदा न्या जा तुद पावे जा तुद भावे तहर गुण गाओ जा तुद भावे गुण गाओ जा तुद भावे जा तुद पावे जा तुद भावे हर गुण गाओ तेरह कर सदा सदा न्या तेरह कर सदा सदा न्या मेरो प्यारो सचे साहेब अलख अब है सचे साहेब अलख अब है नानक लाया रागा से नानक लाया लागा से लगे ना दुखा प्यारो कैसी पुकार प्यारो कैसी पुकार तू
गुरु प्रसाद सिंह जी एक शब्द होर आप जी की खिदमत में हाजिर है। आप जी ने कृपा करके शर्म करना। मैं धनवादी हाँ धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दा साहेब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज और आप समूह गुरु की संगत समूह मैंबरान साहबान मानवियाती सत्कार योग मैनेजर साहब जी और हेड ग्रंथी साहब। मैं पहली बार आया मैंने पहचान नहीं पर तुहाडे चरणों च मेरा नमस्कार है। वड्डियां भागां वाले हो कि जो इस स्थान की सेवा गुरु तेग बहादुर साहब ने झोली च पाई है असीं नहीं कर सकते। जां आप कृपाल होवै हर स्वामी तां अपना नाम हर आप च पावै। गुरसंगत जी कैसा समा भी सी कि 12-12 घंटे का सफ़र करके कीर्तन करना पता नहीं सी लगता, हुण 4 घंटे का सफ़र करना हो मुश्किल लगता है। पर गुरु साहब की रहमत जो थापड़ा देंदे ने फिर मुश्किल तो मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। गुरु परिवार जिन्होंने शुकराना किया गुरु साहब का अरदास की अरदास पूरी हुई अरदास पूरी होंगी है। मैं माफ करना गुरु संगत जी क्लास जरूरी नहीं है कि सारे क्लासरूम में बहन वाले फेल होंगे ने जरूरी नहीं कि सारे पास होंगे ने लेकिन कदे कदे एक ऐसी कैटागरी भी आती है क्लास में एक बच्चा होंगे जब उस बच्चे का सर्वे होंगे तो वह बच्चा निकलता रिक्शे चलाने वाला बहुत गरीबी रेखा तो थले का बच्चा निकलता है इतनी पढ़ाई हाँ मंजूर हो जाए वो निगाह में तो फिर ऐसे बस नहीं तो दूजे स्कूलों वाले उस बच्चे लैन लिये उस स्कूल हाजिर होंगे ने बड़िया फैसिलिटियां देंगे ने कि इस बच्चे दे नाल साडा नाम पढ़े तो होर भी ने अरदास पूरी होंगी है मनसा पूरी होंगी है जे बाबा मक्कण शाह लुबाणे की तरह कर दी जाएगा जी क्या को सतनाम श्री गुरु कृपालता करन बख्शिश करन। बहुत बहुत प्रेरणी परिवार का जिन्होंने सेवा का अवसर बख्शिश किया और बड़े प्यार अगर आखिरला शब्द अपने शर्म करांगे जो तकरीबन आप जी शर्म करते रहते हो साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा और बाणी नेट वाले का भी बहुत धन्यवाद जेडे विशेष तौर पर इस प्रोग्राम नहीं बहुत सारे प्रोग्राम साढ़े नाल भी रहते हैं कई जगह तो इस प्रो अज मीडिया का युग है गुरु संगत जी बैठे कितने होवोगे खबर तुहाडी कितने पहुँचती है पर ऐसी खबर बहुत अच्छी है। ये गुरबाणी का गायन जो देसा प्रदेशों तक संगतां शरण कर दिया ने असीसा बख्श दिया ने आओ बड़े प्यार दे नाल अखीरला शब्द पढ़ के शरण करांगे। साजनड़ा साजनड़ा
समाप्ति वाल नूं वध रहा मैं। कितना को अमीर ज्यादा होगा उस वेले 500 मोहरां अशरफियां चलदियां होंदियां सन सोने दियां, ते कैसी अरदास होगी। सतसंग जी 42,000 फुट की उचाई ते प्लेन उड़दा है, जदों किते माड़ा जावे किते अलाउंसमेंट हो जाए ना जी कि वैदर खराब है प्लीज बैल्ट लगा लो, तो फिर चौपई साहब फिर भाई जहाज की वार तो भी उच्ची हो जाती। मैं माफ करना गज के आखो सतनाम सिंह भाई डर, पर ऐसा गुरु कह दिता चालक ने कि मक्खन शाह जी ये जहाज नहीं बचन वाला, हूं गज के आखो सतनाम सिंह भाई, डुबना ही डुबना है। इतनिया लहरां समुद्र के तूफान नहीं बच सकता, बस गल च पला पैया
हो गई अरदास। मैं तो नहीं कर सकता उदा अरदास गज के आखो सतनाम श्री कर ऐसी अरदास। बस बैठे ने मेरे पास लगाता कंधा सतसंग जी मैं माफ करना सतगुरु प्यारा मेरे नाल शब्द पढ़ के सतगुरु प्यारा नाल नहीं होता मैं माफ कर देना। यह तो इबादत जो अंदरों हो ना जी तो उदों पता लगता है। यह जिन्होंने देखिया उन्होंने पूछो गज के आखो सतनाम श्री वाहे कि सतगुरु प्यारा तेरे नाल है वो कहते कदे गया ही नहीं मैंने छड़ के गज के आखो सतनाम श्री वाहे। अच्छा जी फिर उन्होंने असी एक तगमा देने उन्होंने असं एक अहदा देने उस बंदे कि शुदाई हो गया पागल हो गया। तो पागल तो वह जिन्हें गल नू पा लिया परमात्मा नू पा लिया बस फिर होर कुछ नहीं चाहिए। जेड़ा मनुख परमात्मा नू पा ले तो उस मनुख का जोड़ा नाता है आटोमैटिकली संसार तो टुट जाता है गज के आखो सतनाम श्री। हो गई अरदास लगाता कंधा। गुरु संगत जी बड़े गुरु सन अज भी नहीं ते पुछया कोई और गुरु कदे भोरे च बैठा है पर जान दी मिलन दी आग्या नहीं पर अपनी बेता दसी माता गुदरी जी ने कहा आण दिओ जान दिओ सौदागर है सेवक है बहुत दूरों आया लगता है। उत्थे भी पांच मोहर रख दित्तियां गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु है। ओ मक्खण शाह गुरु क्या सिखा 500 मोर रख के ते 5 मोरा रख के बस फिर की सी पता लग गया गुरु तो ही है जो शाला चुकिया कंधे तो कहते गुरसिखा आ वेख झाड़ जड़े तरसूलों के निशान ने ना थले हले वो जख्म भी राजी नहीं होएगा कि आको सतनाम से बस फिर चढ़ गया कोठे ते पा दिता रौला नगर विच गुरु लादो रे अर तो मेरे वर्गे गुरु तो ही मनुकुर हो फिर गज के आखो सतनाम श्री गुरु लादो रे लभ गया गुरु प्रगट कर दिता गुरु ऐसा गुरु का सिख फिर व्यापार नहीं किया गज के आखो सतनाम श्री वाहे फिर गुरु दा ही हो गया। सतगुरु बचन कर दें कि नाल हो बंदा लह ना सकंदा सुहाओ ना जाने मूड़ा माया मद माता होछी बाता मिलन ना जाई परम तड़ा पर खीरली पंक्ति सतगुरु बचन कर देने कहो नानक गुर बिन नहीं सूझा है हर साजन सबके निकट खड़ा हर जर्रे जर्रे में ही उसका ही तो नूर है अगर तुझे नजर ना आए तो किसका कसूर है गुरु मेरे संग सदा है। आओ खीरली पंक्ति पढ़ के समाप्ति कर दे कहो नानक गुरबिन नहीं सूझे हर साजन सब के निकट खड़ा हर साजन सब के निकट खड़ा साजन जी मेरा साजन साजन मेरा साजन साजन निकट खलोड़ा मेरा साजन साजन जी मेरा साजन साजन जी मेरा साजन साजन साजन
जी मेरा साजनड़ा 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 मेरा साजनड़ा सिंह जी कीर्तन की समाप्ति है। कीर्तन करद यथाशक्त आप जी गुरु साहब की बख्शी बुद्ध अनुसार तुच्छ विचार करद दास पासों भुल हो गई होजान जान के खिमा करनी एक बार फिर तह दिल तो शुक्र गुजार शब्द गुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी शमो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्होंने इस प्रोग्राम में सहयोग बख्शे इतों के मानवीय अति सत्कारयोग मैनेजर साहब जी हेड ग्रंथी साहबान और समूह परिवार जिन्होंने शुकराने दी करते हुए एक कीर्तन दरबार सजाए तो गुरु कृपा करन बख्शिश करन परिवार के उत्ते होर भी चढ़ती कला रखन भुलां चुकां दी खिमा प्यार नाल सारे फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन भाई जसबीर सिंह जी पौंटा साहब वाले असी तह दिल तो भाई साहब होना दे पूरे जत्थे दा धन्नवाद करते हाँ ते अरदास करते हाँ। धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे चरणा दे विच इसे तरह चढ़दी कला दे नाल भाई साहब कौम दी पंथ दी कीर्तन द्वारा सेवा करते रहन। साध संगत समूह बच्ची अते बच्चियां दे आनंद कारज नूं समर्पित अज दा ए महान गुरमत समागम नौवें नानक धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी दे चरण छो प्राप्त अस्थान गुरद्वारा पातशाही नौवीं भोरा साहब विखे बहुत शरदा भावना दे नाल मनाया जा रहा है जिस विच आप सरबत माई भाई हाजरियां भर के अपना जीवन सफला बना रहे हो। महाराज कहिंदे ने हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट नहीं आवे। जिहड़ा गुरु की गोद दे विच बैठ के शरदा दे नाल भावना दे नाल प्यार दे नाल एकाग्रता दे नाल रब्बी बाणी का कीर्तन सरवण करता है रब्बी बाणी का कीर्तन गाँदा है महाराज कहिंदे किसी भी तरह का दुख जेड़ा है उहदे नेड़े नहीं आउंदा। इत्थे बस नहीं साध संगत आपां पावन बाणी पढ़ते हैं सतगुरु पातशाह कृपा करते हैं महाराज कहिंदे एक पलक सुख सहज समागम कोट बैकुंठ पाए। पलक कहिंदे ने अख झमकण जितना समा कोई शरदा दे नाल प्यार नाल भावना नाल अख झमकण जितना समा ही गुरु दे कोल बैठ जावे ते जिउंदे जी गुरु उहदी जिंदगी स्वर्ग बना दिंदा है। सरबत माई भाई संगत दा तह दिलो धन्नवाद जो तुसी हाजरियां भर के गुरु दीआं खुशियां प्राप्त कर रहे जिथे संगतां हाजरियां भर रहीआं ने उत्थे साडे बहुत सत्कारयोग साबका MLA श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर जथेदार सरदार बलजीत सिंह जी जलाल उस्मा विशेष तौर पर पहुंचे ने साडे बहुत सत्कार योग इतों के मुख मैनेजर सरदार गुरविंदर सिंह देवीदासपुर वह भी हाजरियां भर रहे ने। इस पावन पवित्र अस्थान के हैड ग्रंथी ज्ञानी केवल सिंह जी वह भी संगत के शोभायमान ने साडे बहुत सत्कार योग भाई सुखविंदर सिंह जी बताला वह भी इत्थे संगत दे विच हाजर ने। भाई मोहन सिंह जी वह भी इत्थे संगत दे विच हाजर ने ते अजीत अखबार के पत्रकार राजन जी वह भी इत्थे संगत दे विच हाजर ने।
ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਨ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਉਹ ਜਥੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਭਲੋ ਭਲੋਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ ਤੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਪਾਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੁੱਖ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਜਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਣੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਰਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਬਾਲਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੇਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬੇਟਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
बरात तुरन वाली है, बरात जान वाली है, ते पुत्र जी बेटा जी तुहाडी पोशाक कित्थे है, तुहाडे कपड़े कित्थे ने, ते साध संगत ध्यान देना। उस समय बाल गुरु तेग बहादुर महाराज माता नानकी जी नूं दसदे ने, माता जी मैं बाहर खेडण वास्ते गया, जदों मैं बाहर खेडण वास्ते गया मैं की देखिया, एक मेरा हाणी छोटा जिहा बच्चा जिहदे तन दे उत्ते कपड़े नहीं सी, ठंड दे विच ठड़ रिहा सी, कंब रिहा सी, मेरे कोलो देखिया नहीं गया उहदा दुख, ते मैं अपने तन दी पोशाक ला के उहनूं दे आया। जदों आ गल माता नानकी जी नूं दसी ते माता नानकी जी ने गल वकड़ी पाई, वार वार पुत दा मत्था चुम्मिया, ते उत्थे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज आ गए। महाराज कहिंदे भी अज बड़ा प्यार आ रिहा है पुत ते। सारी गल माता नानकी जी गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज नूं दसदे ने, ते उस समय गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ये गल कहिंदे ने भी अज छोटा जिहा बालक ठंड विच ठर रिहा सी, मेरे पुत कोलों उहदा दुख नहीं वेखिया गया, ते मेरे पुत ने उहदा तन ढकण वास्ते उहनूं अपनी पोशाक दे दित्ती। एक समा आवेगा जदों हिंदुस्तान दी पत बाजारां दे विच रुलदी होवेगी, उस रुलदी होई पत नूं बचाउण वास्ते मेरा पुत्तर दिल्ली जाके अपने शीश दी कुर्बानी देवेगा, अपने शीश दा बलिदान देवेगा, ते उस रुलदी होई पत नूं बचावेगा। साध संगत तेग बहादुर सिमरे हैं, घर नौ निध आवै ताए, सब थाई होए सहाए। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज पर उपकारी सतगुरु ने, और साडे बड़े ही वड्डे भाग ने, अज असी उन्हां दे इस पावन पवित्र अस्थान ते हाजरियां भर के जीवन सफला बना रहे हैं। सो मैं बहुता समा ना लवां, हुण मैं बेनती करांगा साडे बहुत सत्कारयोग भाई बलविंदर सिंह जी रंगीला आप सरबत माई भाई संगत नूं गुरबाणी कीर्तन राही निहाल करनगे। सारियां संगतां दा तहे दिल तों धन्नवाद, ते सत्कारयोग शख्सियतां जिहड़ियां इत्थे पहुंचियां ने उहनां दा फिर एक वारी तहे दिल तों धन्नवाद। धन्नवाद धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दा, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दा। आओ प्यार दे नाल रब्बी बाणी दा कीर्तन सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਜੇ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਸਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ, ਔਰ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਆ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
पांच गरीब लड़कियां दे असी व्याह करांगे, कीर्तन करवावांगे। ते दाते ने रहमत कीती, गुरु तेग बहादुर पिता ने, उन्हां दी इच्छा पूरी होई। ते अज ए समागम उस गुरसिख परिवार की श्रद्धा और श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी इत्थे दे भाई साहब मैनेजर साहब सारयां दे सहयोग दे नाल संपूर्ण होया। ई श्रद्धा है ते जिन्ना श्रद्धा कीती फिर दाते ने भाग भी लाए ने। तो आओ पहला शब्द गुरु ने सुनी, इच्छा पूरी हुई ते शुकराना। ये शब्द परिवार वालों आप पढ़ांगे, जिन्ना सानू भी हुक्म किया कि भाई साहब तुसी हाजरी भरनी है। तो समा 11 बजे तक है, 11 बजे आप आनंद साहब पढ़ देना, क्योंकि जो प्रोग्राम बाणी नैट पर जा रहा है इत्थे हाजरी कितनी है ये गल नहीं, जिन्हां दे भागां च वो बैठे आ, पर हजारां लोग अपने घरां च सुणदे पए आ, विदेश विच भी देश विच भी, तां उन्हां दी हाजरी पूरी है। आओ शब्द सरवण करिए ते नाल गुरु तेग बहादुर पिता दा पवित्र इतिहास भी सरवण करांगे। आओ पहला शब्द सरवण करिए, उस तो पहला सतगुरां दी बख्शी फतेह प्रवान करो, नाल अपनी असीस बख्शो तां जो कीर्तन द्वारा आपकी सेवा कर सकी। फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सात संगत फले फतेह आप जी नूं बुलाई है ते जो आप ही आप जी ने देना। फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ओ जिहड़े बच्चे बहुत पिछे बैठे ने ना, बेटा इत्थे सामने आओ, साडे आजो आजो आजो, बस थोड़ी देर है, नाले सुनियो नाले साडे नाल गायो, आजो आजो। नाले नैट ते प्रोग्राम जाना, संगतां तुहानू भी देखणगीआं कि बच्चे बैठे भी गुरु इत्थे सामने आजो, भावें साडे आजो इत्थे आजो, इत्थों ही रहमतां मिलनियां, जीवन दीआं कामयाबियां होणियां। ॐकार सतनाम करता पुरख निर्भाव अकाल मूरत अजुनी से अंगुर परसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक हो से पे सच सब इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरणा कौ बलिहारा नी मान्यो के मान गुरु नी तान्यो के ओटियो
आनंद गुनी निधान गुरु गरीबन वाज। सत्संग जी सामने छोटे बच्चे बैठे ने, इन्हां नूं देख के ख्याल आया साढ़े पापा पापा ही कहिंदे पिता जी जसवंत सिंह रंगीला। इधर एक बच्चा बैठा बहुत छोटा, मैं कहा 7 साल का होना है शायद, 10वीं इतनी की उम्र का सीगा। तो कीर्तन सुनाने वास्ते लैके जाते होंगे सन, दो ढाई ढाई घंटे बैठते सन आप दे नाल सानू बिठाना, पता कुछ नहीं सी होंदा सानू, पर ही नहीं सी पता कि कदी यूं दाता सेवा लवेगा। 7 साल की उम्र च पहली बार पिता जी नाल तपला वजाया सी, ते साड़ी माता दा नाम प्यार कर नहीं है हुण मथुरा, उत्थे भी गुरु तेग बहादुर महाराज का इतिहासक गुरु घर है, उत्थे साड़ी माता ने अरदास कीती सी कि महाराज मेरे पुत्रां नूं कीर्तन दी दात दे। आखो सतनाम, कोई कुछ मंगता कोई कुछ मंगता है, पर साड़ी मां ने कीर्तन की दात मंगी। इन्हां बच्चों नूं देख के वो समा याद आ गया, क्योंकि ये भी गुरु तेग बहादुर का महाराज का पावन स्थान है। शब्द सुनो गाओ, आप सारे घर परिवार वाले हाँ, कोई ना कोई इच्छा तो मन च होंदी है, घर के बाहर लिखा होंदा शांति निवास, पर अंदर शांति कोई नहीं होती। आखो साधना, घरों बंदा बाहर निकलता है तो मुस्कुराता है, घर के अंदर कलेश होंगे, कमियां ने गम ने खुशियां भी ने, कई कुछ है जीवन च, यो ही समा होंदा मंगण दा जदों मन जुड़िया होंदा। महाराज ने पढ़ते टके ने सारिया दे, आओ अरदास करिए दाता, जिमें उस परिवार की इच्छा पूरी की है ना, जिन्ना अज का समागम रखाया है, साढ़े ते भी कृपा कर, उन्हां दी भी चढ़दी कला होवे, होर साढ़े घर परिवार भी सुखी वसन, जीवन च सुख होवे, दुखां कलेशां दा नाश होवे। दाता साढ़ी भी सुन लै, पर एक दिन इत्थे बह के इउं आपां भी कहीए कि मेरे गुरु तेग बहादुर गुरु ग्रंथ साहब ने अज मेरी भी सुन ली है। सुनी अरदास सतगुर आपने, सुनी अरदास, सुनी अरदास, सुनी अरदास सतगुर आप, सुनी अरदास कर जियाया सगला रास, कर जियाया सगला रास, सुनी अरदास, सुनी अरदास सतगुर आपने, सुनी अरदास सतगुर आपने, सुनी अरदास, सुनी अरदास। मन तन अंतर प्रभु ते आया, गुरपुरे दर सगल चुकाया, सुनी अरदास, सुनी अरदास
सब ते वड समरथ गुरुदेव सब सुख पाए तिस की सेव सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी सर जप जी सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी अरदास जंक किया सब किच होए तिस कायम रे न मिटे कोए पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप सफल मूरत गोर तिसकारूप सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी अरदास सर जप जी सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी अरदास जाके बसे हर नाम जो जो पेख सो ब्रह्म ज्ञान बिस वे जाके मन पर गास तिस जन के पार ब्रह्म का निवास सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी अरदास जप जी सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी अरदास तिस गुर को साध करी नमस्कार तिस गुर को साध जाऊं बलिहार सतगुर के चरण तोए तोए पीवा गुरु नानक
सत जीवा सुनी अरदास सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी अरदास जप जी सुनी अरदास सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास कारज आया अरदास सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी अरदास दूसरा शब्द ते गुरु इतिहास सरवण करन तो पहला एक बार जितने भी सजे हो इत्थे या घरां च सुन रहे हो शब्द की पहली पंक्ति एक बारी सारे पढ़िए बिना तबले दे गावांगे ताकि सारे गाओ एक पासे सेवक एक पासे सारी संगत जिन्हां दी इच्छा पूरी हुई है कोई आखो दाता तेरा शुक्र है जिन्हां दी अरदासां ने कहो दाता साडी भी झोली भर सुनी अरदास सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी अरदास जपो सुनी अरदास सुनी अरदास सतगुर सुने अरदास एक वेला ही होंदा वड्डे ते जपदे पए ने तुसी भी सारे थोड़ा थोड़ा जपदे खुल के जपो करो कृपा दाते नु कहो दाता विद्या दान विदे आने वाला जीवन भी तेरे चरणा नाल जुड़िया होवे गाओ सुने अरदास सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी अरदास जपो जी सुनी अरदास सुनी अरदास सतगुर कारज आया सगला रास कारज आया सगला रास सुनी अरदास सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी जेड़े नाल गा सकते हो जरूर रसना पित्र करो किधरे जाना होवे ना सफर बहुत लम्मा होवे कुछ साथी नाल होण ते सफर महसूस नहीं होंदा कहते ने यार पता ही नहीं लगा सफर मुक गया कल्ला बंदा होवे सफर भावें थोड़ा ही होवे कहिंदा यार अज ते सफर ही नहीं मुकदा पिया
ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਓ ਜਿਹੜੇ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦਾਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਦਾਤ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਾਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਗਾਓ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ 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 ਐਸੀ ਮਤ ਦੀਜੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧ ਧਿਆਈ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ 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 ਪਾਣੀ ਪੱਕਾ ਪੀਸੋ ਸੰਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਜਸ ਗਾਈ ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਨ ਨਾਮ ਸਮਾਰੇ ਇਹ ਬਿਸਰਾਮ ਨਿਤ ਪਾਈ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ 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 ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੋਲਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਵਾਲ ਹਟਾਏ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਹਦਾ ਅੱਜ ਮਨ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਹਦਾ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੋੜੇ ਫਿੰਸੀ ਦਾ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਸੋਚਿਆ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਹਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ
राजमाता ने चौंकड़ा मारिया होया, चेहरा बड़ा रोबदाव वाला। राजमाता ने चौंकड़ा मारिया, अखा बंद ने, एक हाथ च माला पकड़ी है और राजमाता श्री सुखमनी साहब का पाठ पई करती है। आखो सतनाम श्री वाह। राजमाता नु पाठ करता देखिया, चौंकड़ा मार के, चौंकड़ा मार के राजकुमार बह गया। राजमाता ने पाठ का भोग पाया, अखां खोलियां, अखां विचों कुछ आंसू निकले। हर चीज का एक रस हुंदा, कई वारी दुख च रोने, कई वारी खुशी च रोने, ते कदी बाणी सुनदे आ, कथा कीर्तन सुनदे आ, करदे आ, अखां च आंसू आ जाण। उन्हां आंसुआं नूं इउं समझणा, ये मेरियां गल्लां ते नहीं डिगे, ये गुरु नानक दे चरणां ते डिगे ने। आखो सतनाम, क्योंकि गुरु दे प्यार विच आए ने। कोई राम 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 कह रहा, कोई हरी नारायण, कोई अल्लाह अल्लाह, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु। जिस वेले प्यार नाल याद करे, मन वैरागी हो जाए ना, अखां पारां, समझो अज अपने रब नाल जुड़ गया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। राजमाता ने अखां पूंजियां, राजकुमार नू देखिया, ते पुछ दिया, बेटा अज सवेरे सवेरे किवें आना होया? ते राजकुमार ने पग लाई, कहन लगा, अम्मी जी, बचपन तो देखदा आ रहा, पर अज मन कुछ काला पै गया, जानन वास्ते मेरे मत्थे ते निशान काहदा? ना तो किसी सट का लगता, ना फोड़े फिंसी। ते सत्संग, जिस वेले राजमाता ने उस निशान वाल तकिया, ते राजमाता दी अखां चो आंसू निकलन लग पे, चेहरा लाल हो गया। ते राजकुमार ने कहा, अम्मी जी, जे मेरे पुछण नाल दुख होया है तां रहण दिओ, मैं नहीं पुछदा, क्योंकि राजमाता रो रही है। ते राजमाता ने इशारे नाल कहा, नहीं बेटा तू बैठ, मैं तैनूं दसदी आं। अखां पूंजियां राजमाता ने, पर हाली कोई ना कोई अथरु फिर डिग पैंदा। अपने आप नूं संभालिया, ते राजमाता कहन लगी, बेटा जे पुछना है ना, ये निशान काहदा, पहला सिर ते पग रख, चौंकड़ा ते मारे आ तू, हाथ जोड़, अदब नाल सत्कार नाल बैठ। राजकुमार ने सिर ते पग रखी, हाथ जोड़े, ते राजमाता हुण सुनाण लगी, बेटा तू साडे घर वड्डी उमरे पैदा होया, जिन्हों आपां बड़ेपा कहने, साडे औलाद नहीं सी, बड़े तरसदे सी, बड़िया सुखना सुखियां, बड़े द्वारे देखे, किधरों खैर ना पई। इन्ना कहिंदिआं कहिंदिआं फिर राजमाता दा मन वैरागी हो गया, ओदी अखां चों आंसू निकलन लग पे। कहन लगी, बेटा मैनू नहीं पता केड़े जन्मां दे साडे जप तप सन, के नौवां गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब साडे देश असाम दे विच आ गए।
किड्डे वड्डे भाग कि गुरु तेग बहादुर साहब साढ़े महलों में आके ठहरे। बड़िया रौनक लग गई, बड़ी बड़ी दूरों नेड़ों संगत आंदियां, झोलियां भर भर के जांदियां। ते राजमाता कह रही, बेटा एक दिन मैं तेरे पिता जी महाराज नूं कहा, राजन दाता देण वाला गुरु तेग बहादुर साढ़े घर बैठा है ते साड़ी झोली खाली, क्यों ना बेनती करिए। की पता गुरु तेग बहादुर दयाल हो जाए ते एक पुत्र दी दात सानू भी मिल जाओ। राजमाता कहन लगी, तेरे पिता जी महाराज नूं मेरी गल चंगी लगी, दर्शन ते रोज ही करते सी सतगुरां दे, पर अज दे दर्शना विच फर्क सी क्योंकि कुछ मंगन चलने आ। बड़ा प्यार होवे किसे नाल भी, रोज मिलने आ, मिलना वखरा हुंदा है, पर जो तू मंगना होवे ना कुछ उदू बंदे दे मन विच संग होती है। आखो सतना, चेहरे दा रंग भी बदल जांदा। राजमाता कहन लगी, जिवें सतगुरां दे कमरे च असीं पहुंचे ते मेरे गुरु तेग बहादुर पिता किसे रंग च बैठे सन, सीस ते सोहणी दस्तार, सुंदर बस्तर, नूरी नूर चेहरा, सुंदर दाड़ा। सतगुरां दा चेहरा देख के मन नूं ठंड पै गई। असी मत्था टेकिया, मत्था टेक के खलो गए ते गुरु तेग बहादुर साहब अनोखा जिहा नूर है चेहरे ते, तेरे पिता जी वल देख के मुस्कराए। उन्हां दा मुस्कराना ही रहमतां देण वाला ते मुस्करा के कहन लगे, राजन यूं लगदा जिवें मन च अज कोई इच्छा है। पुत्र की कमी महसूस होंदी सी, एकदम तेरे पिता जी का मन भर आया ते कहन लगे, दाता इच्छा जे है। सतगुरु कहन लगे, इच्छा है ते कह फिर की चाहिए, तेरे मंगण च देर है, गुरु नानक ने देर नहीं करनी। आखो साधना, ते तेरे पिता जी हाथ जोड़ ले ते क्या, दाता असाम दा राजा वा, महल ने, खजाने ने, फौजा ने, सब कुछ है, पर फिर भी झोली खाली है। आखो साधना, वेड़ा सुंजा है, एक पुत्र दी दात मेरी झोली पा दे, मेरी झोली भर जाए। यूं बेनती करदे आ, तेरे पिता जी ने अपना मत्था गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों ते रख दिता ते गुरु तेग बहादुर साहब पता नहीं सतगुर दे मन विच की आया, एक अंगूठी सतगुरां दी उंगल च सी, अंगूठी नूं उतारिया जिवें उहदे नाल खेडण लग पए। वह अंगूठी कदी किसे उंगल पांदे ने, कदी किसे उंगल, नाले मुस्कराई जांदे ने, ते तेरे पिता जी चरणां ते सिर रख के रो के की कहंदे ने, एक मन दी भावना हुंदी है, पैरी पै पै बहुत मनाई, दीन दयाल गोपाला जियो अज मना लेना। आखो साधना, सत्संगत इतों एक सिक्ख्या भी लैनी है, राजा है, सब कुछ है, पर क्यों हाथ पिया जोड़दा, क्यों रोंदा है, एक पुत्र वास्ते। मां बाप धियां पुत्रां वास्ते सारी उम्र गाल देंदे आ, ते ओही धियां पुत्र वड्डे हो के जिस वेले मापिया नूं ठोकरां मारदे ने ना, फिर बड़ा दुख हुंदा, किसे नूं कह भी नहीं सकदे। धी पुत्र बाहर गया हुंदा है ना,
ते मापे बूहे खुले रखते ने कद आवेगा जब तक धी पुत्र घर ना आवे मापिया नू चैन नहीं होता। ते जिस वेले मापे बुढ़े हो जाते ने धियां पुत्रां दी लोड़ हुंदी है उदों धियां पुत्र लागे नहीं लगते। आखो सतना बूहा उदों ही खुला होता है कद मेरा पुत्र आवे कद मैनू मिले कद आते ने बच्चे कद जाते ने पता ही नहीं लगता। हुण इउं लगता मापिया नू अपने घर च बगाने हो गए अपना कोई जिवें है ही नहीं। दास हमेशा कीर्तन च कहिंदा अपने मापिया नू कदी रोण ना देना मापिया दी अखां च कदी दुख दा आंसू ना आवे। पैसा नहीं कोई गल नहीं कोल ते बह सकदे आ ना मुट्ठी चापी ते कर सकदे आ ना कदी बाहरों आए हो दौड़े दौड़े आए हो आके कुट के मां या पिता नू जफ्फी पा लवो उन्हां दी रूह तक ठंडक पहुंचेगी। तुहाडा मन दुखी है किसे कारण बुढ़ी मां है प्यो है सस है सहुरा पैरी पै के तुस भी घुट के जफ्फी पाओगे ना ते मापियां दे अंदरों आशीष निकलनी है अज मेरा पुत्र दुखी क्यों है। आखो साधना करिया करो सेवा जिहड़ा मर गया उन्हें मुड़ के कदी नहीं आना तुहाडे करिया करो सेवा। गुरु घर भी है साडा सकूल भी है इतों सिक्ख्या भी लैनी ते आनंद भी लैना राजा है ना। हुण रो रो के राजे ने सिर चुकिया चरना तो अखां लाल हो गई सब दाता एक पुत्र राजमाता कह भी रही है ते वैराग विच रोई भी जाती है। आखो सतना एक पुत्र ते गुरु तेग बहादुर साहब मुस्कुराए मुस्कुरा के तेरे पिता जी नूं कहन लगे राजन गुरु नानक दयाल हो गया तेरे घर पुत्र होवेगा बड़ा बली योद्धा होवेगा ओदे मत्थे ते साडी अंगूठी दा निशान होवेगा। आखो सतनाम श्री ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅੰਗੂਠੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ प्यार विच आके मां किथे है गुरु तेग बहादुर। आखो साधना मवी दर्शन कर किथे जिन्ना दी अंगूठी दा निशान मेरे मत्थे ते ओ भी इक ओंकार ते राज माता फिर वैराग चाके कहा सी बेटा गुरु तेग बहादुर साहब ओ ते शहीद हो गए हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए धर्म की रक्षा हिंदू धर्म की रक्षा संसार की रक्षा सब कुछ विचे आ गया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। हुण राजकुमार ने कहा मां मैं फिर अभागा रह गया मैं दर्शन नहीं कर सकता ते राज माता ने कहा नहीं बेटा गुरु का सिख कदी अभागा नहीं हुंदा उन्हां दी जगह उन्हां दे सुपुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब जोतां जगा रहे हैं। बचन बड़ा छोटा जिहा पर बड़ा प्यारा राजकुमार कहन लगा अम्मी मैं फिर जावां आनंदपुर साहब। आखो सतना किथे आसाम मैं जावां आनंदपुर साहब गल इतनी किसी पर राज माता दे मन च पता नहीं किन्ना प्यार आया उन्हें घुट के राजकुमार नूं जफ्फी लै ली जफ्फी चलिया जफ्फी पाई ते नाले की किया तेनू जन्म देना धन हो गया तू उस गुरु तेग बहादुर नूं उस गुरु गोबिंद सिंह नूं प्यार करन लग पिया जिन्हों तू देखिया ही नहीं। आखो साधना तेरा पिता धन तू भी धन
इतिहास लंबा है पर आपां 5 मिनट च कह के समाप्ति करदे हां। तैयारी की असाम च हाथी बड़े मिलते सन, दरबारियां नूं कहा एक सोहना जिहा हाथी लभ्यो, सोहने का मतलब उहदे वर्गा कोई ना हो, काले रंग का हाथी, मथे ते चिट्टियां धारियां जिवें पानी का कोई झरना डिगदा, 5 घोड़े 5 कला शस्त्र, जिहड़े घोड़े ने काठियां पाईयां सोने का काम किया होया, हीरे जवाहरात कई कुछ तैयार किया। राजा से वजीर ने सिपाही ने असाम तो चले ते रोपड़ पहुंचे। इत्थे हुण इह जिहड़ा राजकुमार है इहदा नाम है रतन राय। वजीर भेजे आनंदपुर साहब, जिस कलगियां वाले नूं देखिया नहीं उन्हों देखण नूं मन बड़ा करदा है, समा लैके आओ किस वेले आवां। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा लौटे वेले आयो, ये पंजाब की पुरानी बोली है, शाम नूं आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। पहला 5 किले सन उत्थे, वड्डा किला सी जिहड़ा किला आनंदगढ़ जिथे सतगुर आप निवास करदे सन, बड़ा खुला मैदान सी, बाहर ही दीवान लगा जिवें आप सजे हो ना इस तरह संगतां सजियां, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश है जिवें इउं सिंघासन ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विराजमान ने। जे याद है तो दास दे नाल जपो, बीबियां भैणां इक वारी पढ़दियां हैं, नीला घोड़ा बांका जोड़ा हाथ विच बाज सजाए ने, चलो सिंघो चल दर्शन करिए गुरु गोबिंद सिंह आए। सीस ते सोहनी दस्तार जगा कलगी, रेशमी बस्तर शस्त्र सजे होए, सुंदर दाड़ा, सतगुरां दे पिछले पासे शस्त्रधारी सिंह बैठदे सन, एक पासे 5 सिंह कवि ते रबाबी, सामने संगतां। जिवें ये रतन राय अपनी माता नाल मंत्रियां नाल दरबार च दाखिल होया, सामने कलगियां वाले ने देखिया, बस देखदा ही रह गया, आखो सतनाम, कोल आया मत्था टेकिया, जिवें सतगुरां दे चरणां ते सिर रखिया, सतगुरां ने सिर ते हाथ रखिया, शरीर विच इक चरनाहट जी छिड़ी, रोम रोम जिवें किसे रस च भर गया राजे दा, अखां विच अंसू ने प्यार दे, गुरु ने शो लिया है ना उहदा सोहणा ही सी कि मन वैरागी हो गया, सिर चुकिया चरना तों, कहन लग्या कलगियां वालिया पता नहीं सी तू ऐसा है, आखो सतनाम, तू मैनु छोया कि रोम रोम किसे रस्य च भर गया है, रोम रोम जिवें जपदा है सतनाम श्री वाहिगुरु। राजमाता सारिया ने दर्शन किते। हुण आखरी बचन, भरे दरबार राजा रतन राय असाम दा राजा, कहिंदा सतगुर मैं सुनिया तुसी हमेशा नीले घोड़े की सवारी करते हो, इस करके संगतां तुहानू नीले वाला भी कहिंदियां ने, बाजां वाला फौजां वाला, पर मैं एक हाथी लैके आया, कदी कदी हाथी ते भी सवारी करिया करना, कदी कदी हाथी ते भी सवारी करिया करना, ते आग्या होवे इहनू कुछ सिखाया होया। साहिब जी कहिण लगे तेरा जो मन करदा कर। हाथी दी सुंड विच चवर पकड़ाया, उह सतगुरां नूं चवर चलांदा, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सतगुर तीर चलांदे ने, जिथे तीर डिगदा है हाथी सुंड नाल चुक के लियांदा है। होर कई कौतक कीते ते हुण सतगुरां नूं कहिण लग्गा, दाता इहदा नां की रखोगे?
क्योंकि मैं पता तुसी नीले का नाम रखे दल बिड़ार आखो सतनाम इस हाथी का की नाम रखोगे ते परे दरबार कलगियां वाले मुस्कराए चेहरा होर नूरी नूर हो गया ते कहन लगे एदा नाम रखांगे प्रसादी हाथी आखो सतनाम तू फिकर ना करी कदी कदी एदी ते सवार होके भी किले चो बाहर जाया करांगे आखो सतनाम श्री एक महीना आनंदपुर साहब रह के फिर ये वापस आसाम गए दास दो के तीन साल पहला तुबड़ी साहब गए सा आसाम गुरु तेग बहादुर साहब ने जिथे चरण पाए इस राजे राणी नू दर्शन दिते ते इन्होंने पुत्र दी आशीष दिती पुत्र होगा वो जिहड़ा पुराना खानदान पुराने उस वेले दे गुरसिख ने ना भावें पूरे उन्होंने मर्यादा की समझ नहीं पूरी मर्यादा की पर पुराने जिहड़े ने ना वो अज भी जब तक लड़का लड़की अमृत ना छके आनंद कार्ज नहीं करते आखो सतनाम इतनी श्रद्धा है उन्होंने तो सत्संग जीओ जिस परिवार ने अज का समागम कराया है दाते ने उन्होंने बच्चे बख्शे आखो सतनाम ते दाते दा शुकराना है आओ हुण शब्द की आखिरी पंक्ति पढ़िए जेडे बच्चे सामने बैठे ने उठ के ना साढ़े पिछे आ जाओ आखिरी पंक्ति साढ़े ना पढ़ो आ जाओ आ जाओ नाल बैठो आ जाओ ये समय बार बार नहीं मिलते होंगे आ जाओ सारे और सत्संग जी आशीष देना ये बच्चे भी जीवन च कामयाब होण गुरसिखी च कामयाब होण और माता पिता दे सेवादार भी होण और जितने माई पे बैठे हो सारे ये पंक्ति पढ़िए तुम करो दया मेरे साईं जिहड़े धीआं पुत्र जांदे ने ओ धीआं पुत्र है ने कामयाब होण धीआं पुत्र है ने रिश्ते नाते नहीं होंदे सोहणे होण कोई ना कुछा ते है ना ते कहो दाता जिवें आसाम दे राजे ते कृपा कीती बाबा मक्खन शाह लवाणे ते कृपा कीती साडी भी बेड़ी पार कर दिओ आखो सतनाम सेवा तुम करो दया मेरे साईं तुम करो दया मेरे साईं जपो जी तुम करो दया मेरे साईं तुम करो दया मेरे साईं ऐसी मत दीजिए ठाकुर सदा सदा तुझ ध्याई तुम करो दया मेरे साईं तुम करो दया मेरे साईं जपो तुम करो सत्संग जी पुरानी बोली है ना लाग लगाओ सब कुछ हो जाता आखो सतनाम देखो ना कृपा महाराज दी बस तोरण दी लोड़ है दाता चढ़ती कल बख्शे एक बारी होर इसे तरह तुम करो दया मेरे साईं तुम करो दया मेरे साईं जपो जी तुम करो वाह जी वाह दया मेरे साईं तुमरी कृपा ते मोहमान छूटे बिनस जाए परमाई आनंद रूप रवे ओ सब मले जत कत में को तुम करो दया मेरे साईं तुम करो दया मेरे साईं सारे जपो तुम करो दया मेरे साईं तुम
करो दया मेरे साई। तुम दयाल कृपाल कृपानिध पतित पावन गोसाई, कोट शोक अनंत आज पाए, मुक्त निर्मुख बुलाए, जप ताप भगत सा पूरे, जो प्रभ कै मन पाए, नाम जप कृष्णा सब बोली है, नारक त्रिपद अखाई, तुम करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई, जपनी तुम करो। ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ ध्याई, तुम करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई, करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई। केवल एक मिनट तबले दे बगैर दास पंक्ति पड़ेगा, फिर सारे बच्चे और आप सारे ने कृपा करनी, जेड़े घर च बैठे तुस भी जपे। तुम करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई, जपो जी तुम करो। वाह जी वाह, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ ध्याई, तुम करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई। इतनी सेवा प्रवान करनी, आओ हुण अनंत सौदा पाठ करके अरदास विच हाजरी लगवाइए। शुक्र गुरु ग्रंथ साहिब पिता दा, धन गुरु तेग बहादुर महाराज दा, और धन्यवाद उस परिवार दा जिन्होंने सेवा ली, और नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहब, इत्थे दे मैनेजर साहब भाई साहब पीए जी समूह वीरां दा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सत्कार दिता प्यार दिता, आप संगतां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेनती है, जिन्होंने सुनिया कोई आनंद आए भावें थोड़ा ही सही, जिहड़े आलस कर गए ना या घर च बैठे आंढी गुआंढी आए ने, कहना जरूर अज गुरु इतिहास विचों गुरु तेग बहादुर पिता के दर्शन किए, किवें राजे के मत्थे ते अंगूठी लाई ते पुत्र के मत्थे ते निशान, असाम दा राजा ते गुरसिखी उत्थे भी फैली, आखो साधना काश तुसी भी आंदे ये आनंद तुसी भी लै लैंदे, अगे तो आलस ना करना, आखो साधना आम श्री वाहिगुरु।
ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਕੇ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰਿਆ ਸਬਦ ਗਾਵਨੇ ਆਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਨਾਲ ਰਤੁ ਮਨ ਮੇਰ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੇ ਕਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸਭ ਨਾਂਗਲਾ ਸਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋਵਣਾ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸੱਚ ਨਾਮੇ ਆਧਾਰ ਕਰ ਸਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇਓ ਸੇ ਅੱਜ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਗਦਾ ਗੁਰਵੇ ਤੋ ਜਿਸ ਨਿਆਇ ਬਣਿਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸੱਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕੱਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਤੁਧ ਵਸ ਕੇ ਕਾਲ ਕੰਟ ਕੁਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੋ ਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਭੋ ਅੰਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਪਾਗੇ ਓ ਸਗਲ ਮਨੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲੇ ਵਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ਤਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚੇ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਜਣ ਬਹਿ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨਿਤ ਕਹਤੇ ਪਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਾ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੋਰੇ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਗੋਰੇ ਚਰਨ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਪਾਗਿਓ ਸਲੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਰਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਆ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਲ ਲਗਾਵੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਐ ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਉ ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੁਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਿਆਵੇ ਚਿਤਿਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਆਕਾਰ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸੇਈ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਣਾ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ ਜਿੱਥੈ ਹਰ ਆਰਾਧੀਐ ਤਿੱਥੈ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਹੋਰਤ ਬਿਧ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਧਨ ਸੰਚੀਐ ਭਾਈ ਜੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਹਰ ਹੋਏ ਸਖਾਈ ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੈ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਧਰ ਮਾਹੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬੇਟਾ ਸਰਦਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਹੂ ਬੀਬੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਲੋੜਵੰਦ 5 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰਨੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈਆ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੇਲੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨ ਕੋ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੋਲੇ
ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤਰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਬੁੱਠਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹਿਲੜੇ ਥੀਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ ਭਗਤ ਸੋਹਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਦਾ ਕਰਹੀ ਜੈਕਾਰਾ ਰਾਮ ਹੈ ਹਜੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਅਰਦਾਸ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਚ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਸਚ ਰਾਸ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਬਿਨ ਕਰਮੈ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਐ ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ ਬਿਨ ਕਰਮੈ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਐ ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਦੱਜਹਿ ਇੱਕ ਦੱਬੀਐ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਟੀਐ ਇੱਕ ਪੀ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਪਾਹੀ ਨਾਨਕ ਏਵ ਨਾ ਜਾਪਈ ਕਿੱਥੈ ਜਾਏ ਸਮਾਹੀ ਪੌੜੀ ਤਿਨਕਾ ਖਾਦਾ ਪੈਦਾ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਹਰ ਰਾਤੀ ਤਿਨਕੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਸਰਾਈ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਅਭਿਆਗਤ ਜਾਏ ਵਰਸਾਤੇ ਤਿਨਕੇ ਤੁਰੇ ਜੀਨ ਖੁਰਗੀਰ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਤ ਚੜ ਜਾਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਾਰਜ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਹਿ ਹਰ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਸਾਤੇ ਜਿਨਕੈ ਪੋਤੈ ਪੁੰਨ ਹੈ ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪਹਿ ਜਾਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਾਰਜ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਹਿ ਹਰ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਸਾਤੇ ਜਿਨਕੈ ਪੋਤੈ ਪੁੰਨ ਹੈ ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪਹਿ ਜਾਤੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।